हाँ जी यार, तो घूमते फिरते हम लोग कहाँ पे आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये कावा कावा एक जगह का प्लेस का नाम है कावा कावा, ठीक है जी। ये तो हो गया गैस स्टेशन, और वो है सामने उस तरफ बीच। और कावा कावा ये जो एरिया है, इस एरिया के साथ में ही पड़ता है छोटा सा टाउन। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो $2.94, ऑलमोस्ट $3 का लीटर पेट्रोल है, 150 रुपये का। और जो भी नया आता है हमारी कंट्री में घूमने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसको किसी भी तरह की हेल्प की नीड हो, किसी भी तरह की जरूरत की चीज़ हो, तो वो फील फ्री यार मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं न्यूजीलैंड में ही माटा माटा टाउन के अंदर फ़िलहाल रहता हूँ, ठीक है जी। और बाकी जब कामकाज मेरा शुरू हो जाएगा, मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं ऑकलैंड शिफ्ट हो जाऊँगा। जी हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नए दिन के साथ हम लोग कहाँ पर आए हैं, दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि सिर्फ कैंपिंग के लिए यूज़ होती है। ये खड़ी हुई है कैंपर वैंस, चारों तरफ न्यूजीलैंड के बहुत ब्यूटीफुल पहाड़, और ये हमारी गाड़ी, वो हमारा परिवार। अभी बस ड्रोन उड़ा के मैं हटाऊँ, हम लोग करने आए हैं यहाँ पे कैंपिंग, और चारों तरफ समुंदर। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर होते हैं छोटे छोटे शंख और सिपियां, ये सारे जो आप नीचे चीचे जमीन पर देख रहे हो, ये सारी हैं सिपियां। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। और यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं कैंपिंग करने के साथ कुकिंग करने, और जो लेके आते हैं कैंपर वैन्स, उनके लिए तो इतना बढ़िया है कि यहाँ पे कैंपर वैन लगाई, अंदर ही कुकिंग करी, अंदर ही न्यूजीलैंड की ब्यूटीफुल व्यू को देखा। थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी हो रहा है यार, बिकॉज वेदर बदल रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी, तो इस वजह से। इधर जो समुंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी पीछे की तरफ है, वो मैंने ड्रोन शूट में लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक आते आते पानी गया है सूख और मिट्टी के अंदर गया है दब। अगर हम इसकी बात करें, ये भी काफ़ी दबी हुई लहरें हैं, ये देखो कैसे बंदा मेल्ट हो रहा है अंदर की तरफ, ये पानी तक निकल रहा है, ये देखो। ओ मतलब देखा जाए सही मायने में तो ये सारी है दलदल, अगर बंदा एक बार इसके अंदर फंस गया तो बस फंस गया। हम लोग चलते हैं आगे, भाई क्या कर रहा है, हाँ जी कैसे करना है अब, ये देखो जी अपनी गैस है, ये मैं आपको दिखाऊं। अच्छा ये लकड़ी थोड़ी टूटी हुई है भाई, सिर्फ आगे वाली टूटी हुई है, इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गैस है, अगर हवा इस तरफ से आ रही है तो हम इसको इधर घुमा के लगाएंगे, इस तरह से कि जो हवा है इसकी चारों तरफ रुक जाए। यह है इसके गैस का पाइप, जो कि एक हमें लगाना है इस तरह से लगाना है भाई। लो जी, अभी हम एक नया सिलेंडर लेके आए हैं $47 का, पहले हमें ये लगाना चाहिए। सही है भाई, हाँ जी जगह के बारे में बता हमारे व्यूअर्स को। हम कावा कावा के
रास्ते में एक कैंपिंग स्पॉट पड़ता है, हम लोग उधर आए हैं आज सारे अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे यूजुअली लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। पीछे कैंपर वैन्स खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कैंपर वैन्स होती हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ कैंपिंग करने के लिए आते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट, सो मेनी कैंपर वैन्स राइट बिहाइंड मी, यू कैन सी। और ये ऑकलैंड के एकदम पास में है और माटामाटा से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं अपनी अपने डे ऑफ स्पेंड करने के लिए। नाइस एंड चिल प्लेस है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। हर जगह पे जो सैंड का नहीं कहूँगा मैं, उसको यहाँ पे हर जगह पे शाल्स है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो जब तक शुभनीत जी सेटअप कर रहे हैं इसको। हाँ जी यार, तो घूमते फिरते हम लोग कहाँ पे आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये कावा कावा एक जगह का प्लेस का नाम है कावा कावा, ठीक है जी। ये तो हो गया गैस स्टेशन और वो है सामने उस तरफ बीच। और कावा कावा ये जो एरिया है, इस एरिया के साथ में ही पड़ता है छोटा सा टाउन। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो $2.94, ऑलमोस्ट $3 का लीटर पेट्रोल है, 150 रुपये का। तो आप देख लो कि न्यूजीलैंड में जो पेट्रोल की कीमत है वो कितनी है। और $2.43 का डीजल मिलता है इधर न्यूजीलैंड में। ये मैं आपको दिखाता हूँ टाउन, ये छोटे छोटे घर हैं लोगों के कावा कावा प्लेस पे। और घर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट सफिशिएंट और अफोर्डेबल ही है। यहाँ से ऑकलैंड पड़ता है 92 किलोमीटर। ब्रदर गया है, ये लोग गए थे आगे वॉशरूम की तरफ। बाकी हवा बहुत तेज चल रही है अभी, बस हमने कैंपिंग करनी है तो हम लोग लगाते हैं अपना सिलेंडर गैस और चिकन मटन वगैरह हम लोग लेके आए हैं। भाई ऑयल मिल गया? ऑयल मिल गया आगे जाना है। मोस्ट वेलकम उस भाइयों को न्यूजीलैंड में आने के लिए। और किसी भी स्टेट से हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से हो, अगर वो न्यूजीलैंड आ रहे हैं आप फील फ्री उन सब भाइयों को बोल सकते हो कि जी हमारा भाई न्यूजीलैंड में बैठा हुआ शुभनीत, और किसी भी तरह की जरूरत हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन न्यूजीलैंड।